Guys, today we have with us Harshit, who is a very good trader. Thank you, Rohit. Thank you for the warm welcome and giving this opportunity. मैंने job किया है 5 साल के लिए. Luckily मेरे branch manager भी थे जो हम लोग के head थे. He was into trading also. तो उन्होंने एक बार मुझे buy कराया और in 3 to 4 days 70% of my salary मुझे profit के रूप में दिखी. और यहाँ पे हम जो ट्रेड शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे एक इंट्राडे शॉर्ट स्ट्रैडल के ऊपर. कि ऑप्शंस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. ऑप्शन से पहले समझ लेते हैं व्हाट एक्चुअली ऑप्शन इज. इसको हम लोग हाथ से एग्जीक्यूट करते हैं कि वी यूज द एल्गोरिथम फॉर इट. इट इज सिंपली यू कैन कोड इट. अब इस पीक पॉइंट पे देखो हमें कहाँ पे हमें फर्स्ट एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. अब देखो है क्या मूव कब आया है हमारा जो अपर जो एडजस्टमेंट है हमें एडजस्ट ऊपर करना है 48,380 लेवल. मार्केट मेकर समझ लो या समुद्र में रह के मगर से बैर कर तो आप कम कम लो और निकल जाओ और कम कम दो और निकल जाओ. सो हर्षित दिस वाज अ गुड स्ट्रेटजी. ओके आई लाइक टू बैक टेस्ट इट एंड आई विल गेट बैक टू यू कि इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं. गाइस टुडे वी हैव विद अस हर्षित हु इज अ वेरी गुड ट्रेडर. ही हैज बीन ट्रेडिंग सिंस 2019 एंड आज हम लोग आप लोगों के साथ एक इंट्राडे स्ट्रैडल्स की स्ट्रैटेजी है जो शेयर करने वाले हैं उसका हम लोग बैक टेस्ट भी देखेंगे. दिस इज वन स्ट्रैटेजी दैट हर्षित यूजेस हिमसेल्फ पर्सनली. सो लेट्स हियर इट फ्रॉम हर्षित इटसेल्फ. वेलकम हर्षित. थैंक यू रोहित. थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड या इट्स ऑब्वियसली ऑलवेज ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ सच वीडियोस ताकि कुछ अपनी हम अपनी कम्युनिटी को कुछ तो दे सकें. एज अ ट्रेडर हम लोग कुछ तो दे सकें राइट. So thank you again for giving this opportunity. Okay, so Harshit, before you came into trading, I want a quick update. कि आप trading में पहुंचे कैसे? देखो रोहित, I am an MBA in finance और इसके अलावा मैंने job किया है 5 साल के लिए और आखिरी job मेरी HDFC bank में रही है जहां पे थोड़ा बहुत मैं trading की तरफ expose हुआ था. थोड़ा सा प्रॉप का भी एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा नहीं है ड्यू टू सम एक्सटेंट. और 6 महीने 6.5 महीने मैंने प्रॉप में काम किया और मार्केट्स में मुझे मोटा मोटा 6 साल हो चुके हैं, 6.5-7 साल हो चुके हैं मुझे. और जो मैं अपनी जर्नी समझता हूँ स्टार्टेड विद सो मेनी हर्डल्स बट अभी आई हैव लैंडेड टू अ नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग. मैं एक प्रॉपर नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हूँ. डायरेक्शनल ट्रेड्स में नहीं ले पाता हूँ एज पर माई एड्रेनलिन बिकॉज एवरी ट्रेडर हैज देयर ओन बिहेवियर टेंडेंसी राइट. सो या सो इवन व्हेन द मार्केट इज हैविंग अ डायरेक्शन यू ट्राई टू बी नॉन डायरेक्शनल एट दैट टाइम. See, there are multiple trades. Like I have a bucket of my setups, right? जिसमें majority जो है वो शुरू तो non-direction से ही होता है, right? शुरू non-direction से होता है. कुछ ऐसे setups हैं अपनी basket में जो directional हो जाते हैं, right? But अगर मैं बात वो automated है. अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं किसी चीज में काम कर रहा हूँ ना, तो ऐसा नेचर बन चुका है कि मार्केट अगर गिर भी रहा है, सपोज I've shorted call and put both at a time, ठीक है? एक स्ट्रैंगल पे मैं बैठा हूँ, अगर बेसिक सी बात कर रहे हैं. वैसे तो मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, ठीक है? तो मैं मोर ओवर कैलेंडर्स, आयरन कॉन्डोस, आयरन प्राइस पे इंक्लाइन रहता हूँ. बट अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ या ऐसा कोई ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट में एकदम सडन फॉल आना शुरू हुआ है, मेरा पुट का मेरा एसएल हमेशा रहता है. सी, एज अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर अपने को आरएमएस तो हमेशा दिमाग में रखना है कि यार इतना मेरा मैक्स लॉस है पर डे के हिसाब से, इससे ज्यादा मैं ले नहीं सकता, ठीक है? बट अगर मेरा पुट का एसएल जा रहा है ना या चला गया, तो मैं तब भी मार्केट फॉलिंग है तब भी आई ट्राई टू फाइंड आउट एन अपॉर्चुनिटी कि यार ठीक है मेरे को पुट में फिर से एंट्री मिल जाए ताकि वो जो मेरा जो नेचर है टेंडेंसी है राइट वो थोड़ी सी कहते हैं सेटिस्फाई हो जाती है. और ऐसा भी नहीं है कि एडमेंट हूं, कई बार छोड़ देना पड़ता है, एक मौका लेके छोड़ देना पड़ता है मार्केट को उसकी डायरेक्शन के लिए. बिकॉज देखो ऑप्शन का मैं ऑप्शन में ही ट्रेड करता हूँ और ऑप्शन का जो बेसिक नेचर है डैट इज टू गेट डिकेड राइट. मार्केट को गिरा दो, चाहे जैसे गिराना है गिरा दो, पता है ना कि आईवी क्रश, आईवी राइज हो रही है तो आईवी क्रश होगी, प्रीमियम बढ़ रहा है तो इन द एंड इट इज गोइंग टू गेट जीरो इफ यू आर एटीएम और इफ यू आर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी आल्सो, ठीक है? एकदम स्लाइट, तो पता होता है दिमाग में वो कीड़ा चलता रहता है. इस वजह से आई ट्राई टू बी अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेड और मेरे को अच्छा लगता है जब दोनों साइड से पैसा आ रहा होता है. ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी को देखते हैं फिर उस चीज के ऊपर, है ना? चलो यू टेक इट ओवर. तो आज रोहित हम बात करेंगे एक सेटअप के ऊपर. बहुत ही सिंपल सेटअप है, इट इज वन ऑफ माय सेटअप्स फ्रॉम द बास्केट, ठीक है? जो मैं ट्रेड यूज करता हूँ उनमें से एक बेसिक सा सेटअप है ये. और यहाँ पे हम जो ट्रेड शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे एक इंट्राडे शॉर्ट स्ट्रैडल के ऊपर, राइट?
अब स्ट्रैडल के ऊपर जाएंगे तो जरूर, बट स्ट्रैडल पे जाने से पहले हम एक बार समझ लेंगे कि ऑप्शंस में ट्रेड क्यों करते हैं, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शन क्या होता है, ट्रेड क्यों करना चाहिए, ठीक है, बेनिफिट क्या होता है एज एन ऑप्शन सेलर, और ऑप्शंस बनता किस चीज से है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज डायरेक्टली डीप डाइविंग किसी, कुछ ऐसी ऑडियंस भी होगी जिसको हल्का फुल्का आइडिया होगा चीजों का, कुछ को नहीं होगा, राइट? तो स्टार्टिंग अप विद दैट, आज की जो स्ट्रैटेजी है दैट इज मास्टरिंग इंट्राडे शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी, ठीक है, हम एक शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है, अबाउट मी, माई नेम इज हर्षित दीक्षित, थोड़ा रोहित बता ही चुके हैं, आई एम एन एम बी ए इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग, 7 साल मुझे मार्केट में हो रहे हैं पूरे काम करते हुए, और ट्रेडिंग स्टाइल मेरा फुल टाइम ऑप्शन सेलर हूं मैं, कोई और काम नहीं है इसके अलावा, और नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हूँ, राइट? तो स्टार्टिंग अप विद कि ऑप्शंस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ऑप्शन से पहले समझ लेते हैं व्हाट एक्चुअली ऑप्शन इज, तो ऑप्शन क्या होता है, बेसिकली एक डेरिवेटिव होता है, राइट? और डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इज रेफर टू अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट, किसी भी अंडरलाइंग एसेट को, फिर वो चाहे इंडेक्स है या वो आपका कोई भी स्टॉक है, उसके ऊपर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की अगर वैल्यू डिराइव हो रही है हम उसे डेरिवेटिव कहते हैं, और डेरिवेटिव अब केवल दो तरह के हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, राइट? फ्यूचर एंड ऑप्शंस मतलब पहले स्वैप भी होते थे, फॉरवर्ड्स भी होते थे, बट वो डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं, अभी हमारे पास केवल है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फ्यूचर्स इज मोर ओवर फॉर डायरेक्शनल ट्रेड्स, ठीक है, और ऑप्शंस में आप डायरेक्शनल ट्रेड भी ले सकते हो, आप बाइंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो, आप नॉन डायरेक्शनल काम कर सकते हो, जस्ट टू ईट थीटा इन दैट, राइट? तो देर आर मल्टीपल वेज, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है? तो अब अगर हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो समझ लेते हैं ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग इट इज अ एक सेकेंड, ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन अंडरलाइंग एसेट्स सच एज स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसी एंड इंडेक्स, अब करेंसी तो होता नहीं है, बट एनीवेज आप ऑप्शन में क्या कर सकते हो, एज वी मेंशन्ड, आप कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग कर सकते हो, सेलिंग भी कर सकते हो, ठीक है, किसी भी अंडरलाइंग एसेट का, स्टॉक या फिर इंडेक्स, किसी में भी आप ये कर सकते हो, कमोडिटीज में भी, राइट? देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, कॉल एंड पुट, ठीक है, जो अपने पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस केवल दो तरह के होते हैं, कॉल या फिर पुट, कॉल क्या होता है, गिव्स अस बायर द राइट टू बाय एन एसेट एट अ सेट प्राइस, और सेल, पुट क्या होता है, बायर टू सेल एन एसेट एट अ सेट प्राइस, मतलब बायर क्या करेगा, कॉल क्या होता है, कॉल आप बाय कर सकते हो एज अ बायर मार्केट में अप मूव एक्सपेक्ट करके, और पुट आप बाय कर सकते हो मार्केट को सेल करके, मतलब मार्केट सेलिंग मोड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो आप पुट बाय कर सकते हो, ठीक है? अब ऑप्शन प्राइस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स, देखो इसमें कुछ प्राइसेस होते हैं, राइट? क्या फैक्टर्स होते हैं, ऑप्शन का जो प्राइस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तो फैक्टर्स लाइक एसेट का क्या प्राइस चल रहा है, मतलब अगर मैंने किसी स्टॉक को लिया या इंडेक्स को लिया है, सपोज निफ्टी अभी 22,800 पे है या 22,500 पे है, तो एसेट का क्या प्राइस चल रहा है, निफ्टी का क्या प्राइस चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, प्लस स्ट्राइक प्राइस जो हम सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस एटीएम हम सेलेक्ट कर रहे हैं या हम ओटीएम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है जो ऑप्शन आप बाय या सेल करने वाले हो, टाइम अंटिल एक्सपायरेशन एंड वोलेटिलिटी, टाइम मतलब अपना थीटा कितना है उसमें, और आईवी क्या है, वोलेटिलिटी क्या है, ये थोड़ा सा इसके बारे में हम समझेंगे आगे, मतलब दीज आर द बेसिक फैक्टर्स जिसके ऊपर एक ऑप्शंस का प्राइस या ऑप्शन का प्रीमियम डिपेंड होता है, ठीक है? एक चीज याद रखिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड इन हाई रिस्क, बट यू कैन ऑल्सो यूज टू डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो पोटेंशियली टू इंक्रीज रिटर्न, देखो ऑप्शन शुरू इसलिए किया गया था ना ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सको, बट अब क्या हुआ है कि ऑप्शंस में भी हम ट्रेड करके थोड़ा पैसा कमाने लगे, ऑप्शंस में भी हम ट्रेड करके पैसा बनाने लगे, केयरफुल रिसर्च एंड रिस्क मैनेजमेंट आर द की टू सक्सेस इन ऑप्शन रिसर्च, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको बहुत अच्छे से ना सिर्फ ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए बट एडजस्टमेंट आना चाहिए, उसके अलावा आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कितना रिस्क मैं लेके जा रहा हूँ, पोजीशन साइजिंग मेरी क्या होने वाली, रिगार्डलेस ऑफ एनी ट्रेड, आप इंट्राडे कर रहे हो, पोजिशनल कर रहे हो, एनी ऑफ द थिंग यू आर डूइंग, ठीक है, आपका रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन होना चाहिए, ठीक है? तो
इसी पे आगे चलते हैं। अब जैसे हमें पता है, हमने बात करी थी ऑप्शन वैल्यू होती है, ऑप्शन का प्राइस डिपेंडेंट होता है, तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस का जो प्रीमियम वैल्यू होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये डिपेंडेंट होता है इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक वैल्यू, मतलब ऑप्शन का जो वैल्यू है वो बना होता है आईवी और एक्सट्रेंसिक वैल्यू से। बेसिकली हम लोग इतना सुने होंगे कि इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू होती है, राइट? बट थोड़ा सा समझो चीज को। इंट्रेंसिक वैल्यू हो गई जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, राइट, जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। और एक्सट्रेंसिक वैल्यू या में आपको क्या क्या चीजें ऐड हो जाता है, एक तो टाइम वैल्यू और दूसरा वोलेटिलिटी। अब आईवी का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है ऑप्शन वैल्यू में। देखो कई बार क्या होता है, मोटा मोटा समझना, आईवी हाई है, ऑप्शन की वैल्यू ज्यादा है, आपको बेटर प्रीमियम्स मिल रहे हैं सेल करने के लिए, बट एज अ बायर वहीं पे चीजें महंगी हैं, ठीक है। आईवी कम है, आप कुछ कह रहे हो? या टोटली एग्री। ऑप्शंस की वैल्यू कम है, आईवी कम है, तो ऑप्शंस का वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या समझ में आया, केवल टाइम वैल्यू नहीं है, केवल इंट्रिंसिक वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू और टाइम वैल्यू नहीं है, एक वॉलेटिलिटी फैक्टर भी होता है जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू में अपना वो पॉइंट ऐड करा जाता है। और इसी के ऊपर बेस होके हम अपनी स्ट्रैटेजीज को थोड़ा सा डिस्कस भी कर बनाते भी हैं, राइट। थोड़ा आगे चलते हैं इसी पे। अब ये समझ में आ गया कि ऑप्शन बनता किससे है, तो ये भी समझना जरूरी है कि ऑप्शंस के चलने का फंक्शन के पीछे साइन क्या, मतलब साइंस क्या होता है, राइट। ऑप्शंस के पीछे का साइंस क्या होता है, थोड़ी सी उसकी बात कर लेंगे, ज्यादा डीप डाइव नहीं करूंगा, आई डीप डायरेक्टली कम ऑन द स्ट्रैटेजी इसके बाद, लेकिन पता होना चाहिए स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करना है, क्या हमारे फेवर में रहता है, क्या हमारे अगेंस्ट रहता है, ठीक है। तो ऑप्शंस का साइंस होता है ग्रीक्स, ऑप्शंस में जो साइंस होता है उसे हम ग्रीक्स की रीडिंग कहते हैं, ग्रीक्स कहते हैं। तो ग्रीक्स में जो चार मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं उनकी बात कर लेंगे एक एक, एक लाइन में। पहला होता है डेल्टा, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, देखा आपने देखा होगा कि एटीएम का डेल्टा, सुना होगा एटीएम का डेल्टा 0.5 है, ओटीएम का डेल्टा आपका 0.2 होता है, 0.1 होता है, और आईटीएम डीफ चले जाओगे तो ये 1 तक चला जाएगा, जो फ्यूचर के इक्विवेलेंट होगा, सुना सबने। लेकिन डेल्टा का इम्पैक्ट क्या होता है किसी भी ऑप्शन प्राइस पे या प्रीमियम पे, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑप्शंस प्राइस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। किसी भी अंडरलाइंग एसेट में क्या मूवमेंट आ रहा है या उसके प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, ये जिस स्ट्राइक का डेल्टा हमने चूज किया है या जो डेल्टा वाली स्ट्राइक हमने चूज करी है, सेल करी है, बाय करी है, ये डिपेंड करेगा उस डेल्टा के ऊपर कि हमारे उस ऑप्शन की वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है। सपोज स्टॉक स्पॉट हमारा 100 पॉइंट का मूव किया, हम 0.2 डेल्टा पे थे तो हमारे अगेंस्ट गया, तो हमको केवल 20 रुपए का चेंज मिला अपने ऑप्शन वैल्यू में। 20 नहीं होगा, अगर आपके अगेंस्ट आ रहा है तो ज्यादा होगा, आपके फेवर में जा रहा है तो थोड़ा कम होगा, बट मैं मोटा मोटा टेंटेटिव समझने की बात है। 0.2 ऑफ 10 इज इक्वल टू 20, ठीक है, तो 20 रुपए तक का चेंज मिलेगा। अगर आप 0.5 डेल्टा पे हो तो 50 रुपए का चेंज होगा आपके ऑप्शन स्ट्राइक पे, ठीक है, विद एवरी मूवमेंट ऑफ 100 पॉइंट्स इन द स्पॉट, ठीक है ना, अंडरलाइंग एसेट का स्पॉट, ठीक है। आगे समझते हैं थीटा। ऑप्शंस मैंने जैसे बोला कि ऑप्शन का बेसिक नेचर होता है डिके होने का, राइट, तो वो डिके क्या होता है, थीटा। तो थीटा इज व्हाट, अ टाइम फैक्टर दैट मेजर्स द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज द टाइम पासेस। भाई सिंपल सी चीज है, कोई चीज 100 रुपए की है, आज फ्राइडे का दिन है, ठीक है, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जैसे स्टॉक्स के, मैं यहाँ पे इंडेक्स की बात कर रहा हूँ वीकली समझाने के लिए। 100 रुपए है कोई चीज, मैंने 100 रुपए की बाय या सेल करी है, ठीक है, और आज फ्राइडे है, निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है, थर्सडे के दिन होती है, राइट। तो फ्राइडे, मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे एंड थर्सडे, मैं सैटरडे संडे को काउंट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर अ मेजर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको करना आप कर सकते हो। तो आप ये समझो फ्राइडे के दिन हाउ मच डिके कैन आई एक्सपेक्ट, अभी 5 दिन बचे हुए हैं, राइट, 5 दिन बचे हुए हैं। अगर एक देखो कैलकुलेट नहीं कर सकते आप डिके, बट समझना ये आज पूरा का पूरा जीरो तो नहीं हो जाएगा ना, पूरा का पूरा जीरो नहीं हो जाएगा फ्राइडे के दिन, बट क्या होगा मंडे को अगर सेम जगह मार्केट खुल रहा है तो आई कैन एक्सपेक्ट कि 5 है तो 25 रुपीज तक का इसमें डिके मेरे को मिल सकता है,
टेंटेटिवली 25 to 30 rupees तक का मेरे को डीके मिल सकता है. तो इफ मार्केट डज नॉट मूव, ये ही कॉन्ट्रैक्ट मंडे को हो सकता है 75 का हो जाए. सो दैट मीन्स कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, सेम कॉन्ट्रैक्ट मेरा सस्ता होता चला जा रहा है और थर्सडे को वो हो जाएगा जीरो का. राइट, दैट शोज थीटा कि टाइम फैक्टर मेजर द चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज द टाइम पासेस. जैसे जैसे दिन आगे जा रहा है, ऑप्शन का मेरा वैल्यू डिक्लाइन होता चला जा रहा है. ठीक है, नाउ बात करते हैं गामा की. हम सब जानते हैं आजकल जीरो डीटी प्लेयर्स गामा का बहुत बड़े तेजी से शिकार हो रहे हैं. व्हाट एक्चुअली इज गामा? गामा इज अ मेजर दैट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, जितनी तेज आपका ओटीएम प्रीमियम एटीएम फिर आईटीएम होता जा रहा है, ठीक है, जो एक स्पाइक आता है वो क्या करता है, आपके डेल्टा को बूस्ट करता है, आपके डेल्टा को बूस्ट करता है. और वो कितनी तेजी से चेंज हो रहा है उसको मेजर करने का जो तरीका है या उसको मेजर करता है हमारा गामा. ठीक है, बहुत तेजी से करता है उसी को हम कहते हैं गामा ब्लास्ट एंड ऑल. राइट, तो जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है गामा उसको मेजर करता है. ठीक, एक होता है वेगा, दैट रिप्रेजेंट्स द चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ ऑप्शंस इन चेंज इन वोलेटिलिटी. ठीक है, जैसे हमने बोला था वेगा क्या होता है, ये बताता है मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है. भाई ज्यादा वोलेटाइल कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं, उनके प्रीमियम्स में वैल्यू ज्यादा रहती है, आईवी बढ़ी हुई होती है, कोई रिजल्ट आने वाला है, जैसे स्टॉक्स के रिजल्ट आ रहे हैं, बजट आने वाला है, इलेक्शन आने वाला है, तो वेगा हाई रहेगा, वोलेटिलिटी हाई रहेगी, मार्केट में फियर हाई रहेगा. और हाई वोलेटिलिटी का मतलब क्या है, हाई प्रीमियम्स. ठीक है, हाई प्रीमियम्स, लो आईवी है, वॉलिटिलिटी कम है, मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं है, ज्यादा फियर नहीं है, ऐसा कुछ नया होने नहीं वाला है, तो लो प्रीमियम्स. ठीक है, तो चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ ऑप्शंस विद द चेंज इन वॉलिटिलिटी, वॉलिटिलिटी बढ़ी, वैल्यू ऑफ ऑप्शंस बढ़ी, वॉलिटिलिटी घटी, वैल्यू ऑफ ऑप्शंस घट गई. ठीक है, अब इतने सारे फैक्टर्स हमने देख लिए कि वेगा क्या बताता है, थीटा क्या बताता है, तो ये भी समझो ना कि हमारे फेवर में क्या, हमारे अगेंस्ट क्या है. अब दो तरह के बायर्स, दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं ऑप्शंस को काम करने वाले, एक होता है बायर और एक होता है सेलर. ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग फेवरेबल किसके लिए है. आप अगर ट्रेडिंग करने आए हो टाइम पास करने के लिए, ठीक है आप करो जो आपको करना है, पैसा बर्न भी होगा, बनेगा भी. देर आर पीपल जो एकदम न्यू हैं, आजकल मिलते हैं मुझे तो बताते हैं मेरा एक दिन में 45,000 का प्रॉफिट हो गया, एक दिन में 20,000 का लॉस हो गया, तो पैसा बनेगा भी और पैसा जलेगा भी. लेकिन आप ये समझो कि अगर मैं इसको एज अ बिजनेस लेके आया हूँ कोई काम, अगर मैं लॉन्ग टर्म करने के लिए आ रहा हूँ, तो मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी किस चीज में रहने वाली है ना, मेरे को सक्सेस कहाँ पे मिलने वाली है, मेरे को कहाँ पे मैं जल्दी जीत सकता हूँ या कहाँ पे मैं धीरे धीरे जीतूंगा, लेकिन जीतने की कंसिस्टेंसी हाई. राइट, ऐसा नहीं है कि बायर्स पैसा नहीं कमाते, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर ऑप्शन सेलर्स. तो उसके पीछे का रीजन है वाई, कि देखो ऑप्शन बायर को जो मार्जिन लगता है वो तो लो लगता है, नो डाउट. ऑप्शन आप अगर आप 5 रुपए का कोई बाय कर रहे हो और 50 का लॉट साइज है, सपोज 25 का हो चुका है अब, बट अगर 50 का है तो वही आपको 250 रुपए का प्रीमियम लगने वाला है. बट अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, आप 5 रुपए बेचो चाहे 50 रुपए बेचो, ठीक है, अब जो रिवाइज आपको प्रीमियम लगेगा वो लगभग लगभग 60,000 के आसपास निफ्टी में आपको लगेगा, तो कहाँ 250, कहाँ 60,000. राइट, तो ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर में मार्जिन लो है. ठीक है, सस्ती चीज ल्यूक्रेटिव भी लगती है, इजी भी लगती है, अच्छी भी लगती है, लेकिन हाई है यहाँ पे मार्जिन ऑप्शन सेलर का. तो अगर ज्यादा पैसा लग रहा है तो ये बिजनेस हुआ, ये एक ऑप्शन सेलर ना पार्ट टाइम टाइम पास करने मार्केट नहीं आता है, वो एक करियर या थोड़ा बहुत प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही काम कर रहा है, क्योंकि पैसा भी ज्यादा लग रहा है स्टेक पे. राइट, विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो ऑप्शन बाइंग में लो है और ऑप्शन सेलिंग में हाई है. वाई, बेसिक सी चीज है, सबको पता है, मार्केट या तो आपके फेवर में ऊपर जाएगा. सपोज आप एक बायर हो, आपने कॉल बाय किया है, अब मार्केट का मूवमेंट या तो ऊपर होगा या साइडवेज होगा या अगेंस्ट जाएगा. एक ऑप्शन बायर अगर कॉल बाय करके बैठा है तो वो पैसा यहीं पे बनाने वाला है. ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट हो गया तो ही विल लूज, मार्केट अगेंस्ट गया ही विल लूज, इवन मार्केट कंसोलिडेट करते करते भी ऊपर जा रहे ना, ही इज गोइंग टू लूज, क्योंकि थीटा डीके हो रहा होगा उसमें. ठीक है, एक सडन मूव या स्पाइक या कोई ब्रेकआउट नहीं होता तब तक बायर पैसा नहीं बना सकता, बट वहीं पे मार्केट ऊपर जा रहा है,
आपने पुट सेल किया हुआ है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मार्केट फ्लैट है, आप पैसा बनाओगे, मार्केट कंसोलिडेट, मार्केट आप ऊपर जा रहा है तब भी आप पैसा बनाओगे, कंसोलिडेट करता हुआ ऊपर जा रहा है तब भी आप पैसा बनाओगे, कंसोलिडेट करता हुआ नीचे आ रहा है, साइडवेज टू बियरिश ट्रेंड जिसको कहते हैं, तब भी आप पैसा बना सकते हो ड्यू टू थीटा डिके, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। मार्केट विल ओनली मेक यू लूज अंटिल देयर इज एन स्पाइक और ब्रेकआउट और कोई सडन मूव अगेंस्ट यू, केवल तब आप लूज करोगे, राइट? सो विनिंग प्रोबेबिलिटी इज हाई on an option seller's point of view and lower on an option buyer point of view. Returns की बात कर लेते हैं, तो हाँ, returns are high on option selling, buying, sorry, returns are high on option buying. भाई 250 रुपए की चीज है, 5 रुपए का option 50 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, right? लेकिन 5 रुपए का premium अगर आप sell कर रहे हो तो वो zero का ही होगा, maximum profit ही इतना है, right? तो जब unlimited जा सकता है buying side में, तो आपका प्रॉफिट ऑलरेडी हाई हो गया भाई, आप 5 रुपए भी कमा रहे हो तो 250, 50 रुपए भी कमा रहे हो तो 250 के हिसाब से अगर आप देखते हो तो मोर देन 25% हो गया वो, राइट? यहाँ पे आप 5 रुपए कमा रहे हो, कितना हुआ, 5, 25, आप 50 के हिसाब से 250 रुपए आपने कमाया तो 60,000 का 250 कितना होगा, हार्डली 0.02%। तो मेरा विनिंग जो रिटर्न है वो लो है, लेकिन ये कंसिस्टेंट हो सकता है, दिस कैन नॉट ऑलवेज बी ऑन योर फेवर, राइट? रिस्क की बात करते हैं तो ऑप्शन बाइंग में थोड़ा लो रिस्क है और ऑप्शन सेलिंग में हाई रिस्क है। व्हाई? मैंने यहाँ पे ऐसा मेंशन क्यों किया, देखो ऑप्शन बायर्स का पैसा जीरो हो जाता है, कहते हैं ना प्रीमियम पूरा ही मेल्ट हो जाएगा, पूरा ही जीरो हो जाएगा, बट ये समझो जाने को क्या है, 250 रुपए। अगर किसी ने 50 रुपए का लिया है तो उसके पास जाने को क्या है, 2,500 रुपए। लेकिन अगर यहाँ पे स्पाइक आया या कुछ होता है तो अपना कितना स्टेक पे लगा हुआ है, 60,000, राइट? 50, 5 रुपए की चीज आपने बेची, वो 500 की भी हो सकती है, तो रिस्क कितना है यहाँ पे, ऑप्शन सेलर का हाई है। इसीलिए शुरू में ही मैंने स्लाइड में मेंशन किया था कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट आपसे पैसा तो लेगा, कितना देना है ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है? देखो चीजें समझ में नहीं आएंगी ना तो स्लाइड एक बार फिर से रिपीट करके आप लोग वीडियो देख सकते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? बहुत ही एक एक वन वन लाइन में मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। देखो अब ऑप्शन सेलर करता क्या क्या है, समझ लिया ना ऑप्शन बायर और सेलर क्या कर रहा है। यहाँ पे हम बात करने वाले शॉर्ट स्ट्रैडल की। ऑप्शन सेलर डायरेक्शनल भी करते हैं, नॉन डायरेक्शनल भी करते हैं। इस तरह के ट्रेड एक ऑप्शन सेलर लेके जाता है, ठीक है? डायरेक्शनल में स्प्रेड नॉट नेकेड एंड ऑल, राइट? क्रेडिट स्प्रेड रेशियो स्प्रेड। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन डायरेक्शनल की। नॉन डायरेक्शनल में भी हमारे पास स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई होता है। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है स्पेसिफिकली स्ट्रैडल के ऊपर। आज हमारा टॉपिक होने वाला है स्पेसिफिकली स्ट्रैडल के ऊपर। हम जो बात करेंगे स्ट्रैडल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो अब एक बार स्ट्रैडल देख लेते हैं बनता कैसे है, देन वी विल मूव ऑन टू द एडजस्टमेंट पार्ट्स, मतलब अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर जंप इन करेंगे। स्ट्रैडल क्या होता है, व्हेन आई स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व सेलिंग एटीएम। जब हम एटीएम सेल करते हैं, एट द मनी सेल करते हैं, तो वहां कॉल और पुट ऑप्शन हम दोनों सेल करते हैं, तो वो हमारा एक स्ट्रैडल क्रिएट होता है जिसका पे ऑफ कुछ ऐसा नजर आता है। एंड दिस इज अ न्यूट्रल स्ट्रैटेजी जिसमें प्रॉफिट लिमिटेड मूवमेंट के साथ होता है, लेकिन अगेन लिमिटेड मूवमेंट अगर है मार्केट में तब तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन आपका रिस्क और रिवॉर्ड डिपेंड करता है आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है? मार्केट में कोई स्पाइक आया तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड लॉस दिख रहा है, ठीक है? तो उसको एडजस्ट कैसे करना है, एडजस्टमेंट्स आर मेड टू मैनेज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है? तो मार्केट में अगर कोई मूव आ रहा है तो हमें क्या काम करना होता है भाई, सिंपली आप स्ट्रैडल सेल करके नहीं छोड़ सकते। आप सिंपली स्ट्रैडल सेल करके छोड़ दोगे, मूवमेंट में आपका कैपिटल तक वाइप आउट हो सकता है, राइट? लेकिन कैसे हमें रिस्क मैनेज करना है अब इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है? तो हमारा सेटअप क्या है, हमने देख लिया कि ऑप्शन क्या होता है, स्ट्रैडल क्या होता है, राइट? तो आप समझते हैं कि हमारा इसमें स्ट्रैडल मतलब हमारा इसमें सेटअप क्या है, हमें काम कब करना है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे एडजस्ट करना है। एंट्री टाइम हमारा रहने वाला है 9:45 AM, ठीक है? एंट्री टाइम हमारा रहने वाला है 9:45 AM। वाई 9:45, वाई नॉट 9:20, वाई नॉट 9:30? देखो मार्केट में एक इनिशियल वॉलिटिलिटी होती है जब मार्केट खुलता है, राइट? और क्योंकि हम एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ले रहे हैं, मार्केट में कोई सडन मूव आया या आईवी राइज हुई,
या क्या हुआ मार्केट में, ठीक है, उसको एनालाइज करने के लिए वो इनिशियल जो मूवमेंट होता है, स्पाइक्स होती हैं, उसके कूल डाउन होने का हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। जब वो कूल डाउन हो जाएगा तब हम एंट्री लेंगे। देखो ऑप्शंस में लोग ट्रेड कैसे करते हैं, 9:15 to 10, राइट, फिर आते हैं जब यूरोपियन मार्केट का टाइम होता है 12:30 से 2, फिर आता है 3 बजे मूवमेंट। आजकल जैसे अलग अलग टाइम जोन पे मार्केट में लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब अपने को एंट्री लेनी है तो जो इनिशियल ट्रेडर्स ने अपना काम करना था वो करके चले गए, पैसा बनाया गया, लूज किया, जो कुछ भी था वो गए। अब मार्केट थोड़ी देर शांत रहने वाला है, तो उस शांति का अपने को बेनिफिट उठाना है। देखो हमेशा मार्केट शांत रहेगा नहीं, बट प्रोबेबिलिटी इज हाई कि 9:45 के बाद थोड़ा सा मार्केट नॉन वोलेटाइल हो जाएगा, थोड़ा सा शांत हो जाएगा, और उसमें हम मैक्सिमम डिके अपना कैप्चर कर सकते हैं। स्ट्राइक सेलेक्शन कैसे करना है, वी चूज द एटीएम स्ट्राइक्स ऑफ ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइंग एसेट और उसे सेल करेंगे। मतलब सिंपल, एटीएम का कॉल और पुट हम सेल कर देंगे, ठीक है। डू कीप इट इन माइंड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझने की कोशिश करना, कि जब भी हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे वी विल एंटर पोस्ट 9:45। 9:45 से हम अपनी ऑप्शन चेन को मॉनिटर करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि जब भी स्क्यू बिटवीन द प्रीमियम्स, मतलब प्रीमियम्स के बीच का जो डिफरेंस है, या तो वो मिनिमम हो जाए या ऑलमोस्ट इक्वल रहे। जब भी प्रीमियम ऑलमोस्ट इक्वल या फिर उनके बीच का जो डिफरेंस है वो मिनिमम हो जाएगा, तभी हम इस ट्रेड में एंट्री लेंगे। क्योंकि मार्केट में ऐसा भी होता है कि कई बार 200 रुपए का एटीएम होगा और 100 120 रुपए का भी एटीएम होगा, राइट, अगर थोड़ा बहुत ऊपर है मार्केट, राइट। हमें क्या देखना है कि 190 और 185 मिल जाए, या 200 और 205 मिल जाए, या 10 मिल जाए, राइट, थोड़ा बहुत स्क्यू चलेगा, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्क्यू, व्हाट एग्जैक्टली आर यू टॉकिंग अबाउट? यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रीमियम ऑफ द कॉल एंड पुट। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीमियम ऑफ द कॉल एंड पुट एट द सेम टाइम। जैसे सपोज 9:45 से मैं एंट्री कर रहा हूँ, एंड इफ माई कॉल इज एक्सपेंसिव, अगर मैंने ऐसे नॉर्मल एंट्री ले लिया और मेरा कॉल यहाँ पे 300 रुपए का है और पुट मेरा 250 रुपए का है, आप समझो रोहित, कहीं ना कहीं मेरा व्यू जो होगा, जो मेरा ट्रेड होगा, मेरे को बेनिफिट ज्यादा देगा जब मार्केट नीचे जाएगा, राइट, क्योंकि मेरे पास कॉल का प्रीमियम ज्यादा सोल्ड आउट है, ठीक है। तो बेनिफिट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा, राइट, थोड़ा सा बायसनेस आ जाता है। बट अगर मेरा प्रीमियम ऑलमोस्ट 280 एंड 290 है, तो यहाँ पे क्या है, मैं पूरी तरीके से एक नॉन बायस ट्रेड के अंदर हूँ, नॉन बायस ट्रेड के अंदर हूँ, नॉन डायरेक्शनल नॉन बायस ट्रेड। भाई ऊपर जाएगा तब भी, नीचे जाएगा तब भी, ऑलमोस्ट आई एम सेटिंग ऑन द सेम थिंग। भाई मार्केट यहाँ पे गिरेगा तो 300 जल्दी मेल्ट होगा, और क्योंकि इसमें प्रीमियम ज्यादा है, ये ज्यादा जल्दी बेनिफिट देगा रादर देन 250 वाले में, ठीक है। तो इसलिए हम स्टेक में एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम हम प्रीमियम थोड़ा सेम रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके ओके अब जैसे सिंपल सी चीज है, यहां पे आप देख रहे हो बेसिक से एग्जांपल, अपनी ऑप्शन चेन हम खोलेंगे, सपोज 42,700 पे चल रहा है। अब यहां पे देखोगे आप 152 एंड 110, अभी प्रीमियम्स के बीच का स्क्यू बहुत बड़ा है, ठीक है, अभी बड़ा है, तो हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। जब भी ये प्रीमियम्स ऑलमोस्ट इक्वल आएंगे हम तब अपनी एंट्री बनाएंगे ट्रेड के अंदर, ठीक है। जिस इज जस्ट अ स्लाइड ऑफ ऑप्शन चेन, आप कैसे उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। अब देखो बात हो गई हमारी एंट्री की, कि एंट्री कैसे लेनी है, कब लेनी है, ये हम समझ चुके हैं कि कितने बजे लेनी है और क्या फैक्टर्स को देख के लेना है। अब बात करेंगे हम एडजस्टमेंट्स की, ठीक है, विच इज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल। करना क्या है, वी विल एड द टोटल प्रीमियम्स कलेक्टेड, वी विल एड द टोटल प्रीमियम्स कलेक्टेड। सपोज कॉल बेचा मैंने 200 का, पुट बेचा मैंने 210 का, ठीक है, तो मेरा टोटल प्रीमियम कितना हो गया अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, 410 रुपए, ठीक है। तो फॉर थर्सडे फ्राइडे एंड मंडे, अगर मैं बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी की, ठीक है, तो थर्सडे, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल लिया है, तो अगर मैं थर्सडे फ्राइडे और मंडे की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली थर्सडे फ्राइडे मंडे, तो मैं टोटल प्रीमियम कलेक्टेड को आई विल डिवाइड बाय 3, आई विल डिवाइड बाय 3, ठीक है, एंड मार्क द लेवल्स ऑन द चार्ट, एक सौ ठीक है, जो मैं चालीस डिवाइड करूंगा 3 एक से, वो सौ लेवल्स पैंतीस मैं चार्ट पे मार्क कर दूंगा, एक सौ पैंतीस 140 बन गया ना। ठीक है। अब वो अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। ऑफर ट्यूसडे एंड वेंसडे,
वी विल डिवाइडेड बाय टू. देखो रीजन क्या होता है, थर्सडे को प्रीमियम हमें हाई मिलने वाला है क्योंकि वेडनेसडे एक्सपायरी है, फ्राइडे को ऑब्वियसली हाई मिलेगा, मंडे कंपैरेटिवली लो मिलेगा, लेकिन ट्यूसडे और वेडनेसडे से तो ज्यादा ही मिलने वाला है राइट, क्योंकि इसमें अभी थीटा है. अगर हम वेडनेसडे, इसलिए जब हाई प्रीमियम है उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं और जब लो प्रीमियम से तो उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जस्ट टू कीप द रेंज मेंटेन. कि मान लो फ्राइडे को, थर्सडे को मुझे 200 पॉइंट का रेंज मिला, ठीक है, मंडे अगर मैं वेडनेसडे के दिन भी, अगर सपोज मेरा कलेक्शन ही 200 पॉइंट का है, टोटल प्रीमियम ही मेरे को 200 पॉइंट का मिला है, 100 प्लस 100, तो मेरे स्ट्रैडल की वैल्यू क्या हुई, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे. अब अगर इस दिन भी मैं 200 पॉइंट की रेंज लेके चलूंगा, ठीक है, उस दिन भी मैं 200 पॉइंट का रेंज लेके चलूंगा, तो होने क्या वाला है, मैं तो बहुत जल्दी लॉस में आ जाऊंगा. मार्केट में तो मूवमेंट आना शुरू हुआ, मैं तो बैठा हूँ, एडजस्ट तो कर नहीं रहा हूँ, तो वहां पे मैं बहुत जल्दी लॉस में आ जाऊंगा राइट. इसलिए आप 3 दिन आप इसको कर सकते हो डिवाइडेड बाय 3, 2 दिन आप कर सकते हो डिवाइडेड बाय 2, सो दैट यू कैन गेट अ एग्रीगेट वैल्यू. वेट फॉर द मार्केट टू ब्रीच एनी साइड ऑफ द लेवल्स राइट, जो हमने चार्ट में लेवल्स अपने ड्रॉ करे हैं उनके लेवल्स को ब्रीच होने का वेट करेंगे. सपोज मार्केट 48,500 पे है राइट, और जो मेरा लेवल है वो है 48,300 और ऊपर है 48,700, तो आई विल नॉट मेक एनी एडजस्टमेंट जब तक 48,700 और 48,300 ब्रीच नहीं हो जाता, ठीक है. जब तक मार्केट सपोज 680 तक भी चला गया ना, आई विल नॉट मेक एडजस्टमेंट जब तक वो 700 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं दे रहा है, ठीक है. ऐसा नहीं, अब सपोज बहुत बहुत बड़ी कैंडल बन रही है, ये थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, तो 10 पॉइंट का वहां पे बफर रख सकते हो. 700 या 710 के आसपास मार्केट नहीं पहुंच रहा, तब तक मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है. वेन एवर मार्केट ब्रीचेज एनी साइड, अब सपोज मार्केट नीचे आ गया या मार्केट ऊपर चला गया, तब हम क्या करने वाले हैं, एग्जिट द लॉस मेकिंग लेग. जो हमारा लॉस मेकिंग लेग है, सपोज मार्केट ऊपर गया तो हमारा जो कॉल था 48,500 का कॉल और पुट सेल था, तो 48,500 का जो कॉल है वही लॉस दे रहा होगा, क्योंकि एज अ सेलर हम चाहते हैं प्रीमियम मेल्ट हो, यहाँ तो प्रीमियम राइज कर रहा होगा. तो लॉस मेकिंग लेग को बुक करेंगे और उसे दूर ले जाएंगे, और जो मेरा प्रॉफिटेबल लेग जितने का चल रहा होगा उससे हम प्रीमियम मैच करा देंगे. इससे एक तो हमारा क्या होगा कि हमारा जो स्ट्रैडल है वो स्ट्रैंगल बन चुका है. बन समझो, मैंने शुरू में बेट क्या किया, मनीनेस के ऊपर, कि सबसे ज्यादा मनीनेस कहाँ होती है, एटीएम में सबसे ज्यादा डीके कहाँ होता है, एटीएम पे. मेरा मैं एक व्यू लेके गया कि मार्केट कैन बी नॉन वोलेटाइल मार्केट है, शायद उतना मूव नहीं करेगा. सुना है ना 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज चलता है, 30% थोड़ा सा मूवमेंट आता है, ठीक है. नॉर्मल बात कर रहा हूँ, थ्योरिटिकल बात में कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली आजकल स्पाइक्स भी बहुत आ रही है, उसकी भी बात हम करेंगे, ठीक है. तो हमने पहले मनीनेस पे बेट किया, तो हमने स्ट्रैडल लिया. अब क्या हुआ, क्योंकि मेरा बेट गलत हो गया, वो रेंज तोड़ रहा है, तो हमने एक स्ट्रैंगल बना लिया, मार्केट को एक रेंज दे दी. पहले मैं छोटी रेंज में था, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैंने मार्केट को एक रूम दे दिया, ठीक है भाई जैसे आप जा रहे हो हम आपके साथ चल रहे हैं, हम अपने हिसाब से मार्केट नहीं चला रहे, हम मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है. तो हमने लॉस मेकिंग लेग को एग्जिट करके, जो हमारा प्रीमियम, हमारा प्रॉफिटेबल लेग का चल रहा था, हमने उसके बराबर का प्रीमियम सेल कर दिया और बैठ गए ट्रेड में. इससे क्या हुआ, एक तो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बन गया, दूसरा हमारा जो डेल्टा था, ऑब्वियस ही बात है कॉल का बढ़ गया होगा तो उसमें रेट ऑफ चेंज हाई हो चुका होगा, पुट के हिसाब से वो जल्दी बढ़ेगा, तो हमने अपने डेल्टा को भी मैनेज कर लिया, डेल्टा न्यूट्रल बना के. अब दोनों में लगभग लगभग जो चेंज होगा वो सब्सटेंशियली इक्वल रहने वाला है, ठीक है. वेन एवर मार्केट कम्स एट एनी पीक, अब देखो स्ट्रैंगल बन चुका है, अब हमें क्या करना है, वेन एवर मार्केट कम्स एट एनी ऑफ द पीक्स, मैं एक बार ये डिलीट कर देता हूं, वेन एवर मार्केट कम्स एट एनी ऑफ द पीक्स बुक द प्रॉफिट लेग एंड सेल द एटीएम एंड कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रैडल अगेन. अब क्या है कि मैं स्ट्रैडल से स्ट्रैंगल बना था, मार्केट ऊपर जा रहा है, अब क्या करेगा मार्केट, आइदर देखो समझो, केवल 5 घंटे की इस बात है, केवल 5 घंटे की बात है, मार्केट को जो कुछ भी करना है इसी बीच में करना है, हम इसको पोजिशनली तो होल्ड कर नहीं रहे. तो अब 5 घंटे या तो मार्केट एक स्पाइक दे दिया, मैं स्ट्रैंगल बन गया, अब मार्केट या तो धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा होगा, ठीक है, या और ऊपर चला जाएगा या वापस चला जाएगा राइट. तो जब भी वो अपनी पीक के पास जाएगा, जब भी वो मेरे अब पीक पे जाएगा, स्ट्रैंगल के सोल्ड लेग पे, पीक कह लो या सोल्ड लेग कह लो, पे चला जाए, ठीक है. तो अभी हमने लॉस मेकिंग बुक किया था, अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिटेबल लेग को बुक करके वापस से उसे स्ट्रैंगल बना, स्ट्रैडल बना देंगे, ठीक
मार्केट ऊपर आ गया, यहां से शुरू किया था, स्ट्रगल बनाया, फिर हमने स्ट्रैडल बना दिया, ठीक है। तो अगेन फिर से हमारे साथ क्या हुआ, हमारा डेल्टा भी मैनेज हो गया, ठीक है, और हमने फिर से मनीनेस पे बेट लगा दी कि मार्केट कितना ही मूवमेंट देगा कभी तो रुकेगा, ठीक है। या यू सेइंग समथिंग? इसको हम लोग हाथ से एग्जीक्यूट करते हैं कि वी यूज द एल्गोरिदम फॉर इट, कर भाई हम हाथ से भी कर सकते हैं, तो हम इसको सकते एल्गो के हैं। रूप में भी कर सकते हैं। इट इज सिंपली यू कैन कोड इट, राइट, यू कैन कोड इट, इट इज एल्गोमेटेड ऑल्सो, इट कैन गेट एल्गोमेटेड ऑल्सो, हाउ आर और यू अगर आप डूइंग इट, मैनुअली करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। हाउ आर यू डूइंग इट? आई मेरी पूरी बास्केट तैयार है ट्रेड रोन पे, मेरा वहीं से होता है, ओके, ठीक है। बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि अगर इसको ऑटोमेट करना है तो मुझे किस प्लेटफॉर्म पे जाके ऑटोमेट करना पड़ेगा। अभी उस बारे में बात करेंगे रोहित भाई, राइट, अभी उस बारे में बात कर लेंगे। यू कैन गेट इट कोडेड, ठीक है, एंड यू कैन इवन जो अपने जैसे अपना विवेक भाई का है अपना, ठीक है, एल्गो टेस्ट आप उसमें भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये प्रीमियम बेस्ड पे है, ठीक है। बट वहां पे आप एवरी डे प्रीमियम्स नहीं डाल सकते, एवरी डे आप प्रीमियम्स नहीं डाल सकते हो, उसमें एक आपको लेग का ये किसी हिसाब से चूज करना पड़ेगा, वी विल डिस्कस इट जब अपन अलग से इसको देखेंगे, ठीक, आई टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो। अब देखो वो जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, स्ट्रैडल टू स्ट्रैंगल टू स्ट्रैडल टू स्ट्रैंगल, वो पूरा प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, पूरे दिन वो प्रोसेस चलेगा। क्या होने वाला है, मार्केट अगर कंसोलिडेट किया, अगर स्टार्ट थोड़ा सा मूव दिया फिर कंसोलिडेट करेगा, या फिर स्पाइक मारेगा फिर कंसोलिडेट करेगा, आइदर वी विल एग्जिट एट 320, आइदर वी विल एग्जिट एट 320, या हम हमारे साथ क्या होने वाला है, जब बहुत ज्यादा स्पाइक होगा, हर दिन तो शांत हो नहीं सकता, और वी विल एग्जिट वेन एवर वी सी अ टोटल लॉस ऑफ 1% ऑफ आर डिप्लॉयड कैपिटल ऑन आर टर्मिनल। हो गया भैया, वो दिन हमारे लिए नहीं है भाई, पूरे साल में 220 ट्रेडिंग दिन मिल रहे हैं, क्या उसमें हम कुछ दिन लॉस नहीं ले सकते? लेकिन हमें लॉस कितना लेना है, जो मेरा डिप्लॉयड कैपिटल है, सपोज 1.5 लाख रुपए मेरे को लग रहा है एक पोजीशन सेल करने में, तो मेरे को जब भी 1.5 हजार रुपया का लॉस दिखेगा पर लॉट, मैं उस दिन अपने ट्रेड को बंद कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलने देंगे हम उसको 320 तक, क्योंकि क्या होता है कि अगर जैसे एक्सपायरी का दिन, देखो एक चीज आप समझो, पहले अपन इसको बैंक निफ्टी में कर रहे थे, आज भी आप बैंक निफ्टी में कर सकते हो। अब जैसे आप देखोगे टुडेज एक्सपायरी ऑन एवरी डे, राइट, एवरी डे एक्सपायरी है, हर एक इंडेक्स में है, आप इसको मल्टीपल इंडेक्स में भी ट्राई कर सकते हो टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। बट एक चीज हमेशा याद रखना, 0 DT का गेम आजकल बहुत रिस्की हो गया है, ठीक है, देर आर ह्यूज स्पाइक्स, और ऑपोजिट साइड में अपने पास प्रीमियम नहीं होता है। तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसको 0 DT अवॉइड करो, जब अपलीस मेरे पास थोड़ा बहुत प्रीमियम होना तब काम करोगे तब बेटर रहेगा। ऑपोजिट लेग 6 रुपए का बचा है, अभी कल क्या हुआ था, ऑपोजिट लेग 6 रुपए का बचा हुआ था, यहाँ पे 4 रुपए का प्रीमियम 200 रुपए तक पहुंच गया था, राइट। तो इसलिए हमेशा इसको 0 DT थोड़ा सा अवॉइड करो। अब जैसे मान लेते हैं वेंसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वेंसडे को आप इसको निफ्टी में ट्राई कर सकते हो, या वेंसडे को आप इसको मिड कैप में ट्राई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मिड कैप और बैंक निफ्टी समझ रहे हो कोई रिलेशन एज सच नहीं है, तो मिड कैप थोड़ा उतना वोलेटाइल नहीं हो सकता। मिड कैप का मंडे को एक्सपायरी होता है तो हम बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, ठीक है, फिर निफ्टी का ट्यूसडे को हो रहा है तो हम निफ्टी में कर रहे हैं, तो ये आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर डायनेमिक्स है चेंज ना। पहले एक ही एक्सपायरी होता था, एक ही दिन होता था, थर्सडे के दिन इजी रहते थे सारे दिन, सही अपने को पता होता था कि यार वेंसडे और थर्सडे थोड़ा अलर्ट रहना है, बाकी सारे दिन तो चिल होके पैसा बनेगा, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग को? आपको एक बात मुझे पता है कि ये जो मैं एक बात मुझे पता है जो द मेथड दैट यू हैव टोल्ड इट्स सॉलिड, ठीक है, तो थोड़ी सी ट्वीक जरूर करनी पड़ेगी इसको हर एक्सपायरी के अकॉर्डिंगली, बट इसका जो रिजल्ट है दैट इज गोइंग टू कम गुड, बिकॉज इसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। दिस इज समथिंग विच इज प्योरली बेस्ड अपॉन थीटा डिके, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आपको सिर्फ उस डांसिंग के अराउंड अपना एक नेट पोजीशंस का एम टू एम बचा के रखना। और हो यही रहा है ना रोहित भाई, देखो ऑप्शन का नेचर है यार डीके देने का, थीटा डीके तो सुप्रीम है, तो जो सुप्रीमेसी है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, प्लस हम मार्केट के साथ चल रहे हैं, हमने यस मार्केट को मौका ही नहीं दिया, मार्केट को मौका दे रहे हैं कि आप मूव करोगे हम भी आपके साथ मूव करेंगे, ठीक यस है। तो अगर मार्केट लीड करते हुए लेफ्ट जा रहा है तो हम लेफ्ट जाएंगे, अप जा रहा है तो हम अप जाएंगे, उसी के हिसाब से चलेंगे, तो वहां पे
जब थीटा डीके अपने को कैप्चर ही करना है तो वहां पे अपन उसका फेवर भी उठा रहे हैं, प्लस मार्केट के साथ भी चल रहे हैं, डेल्टा भी हमारा सेफ है यहाँ, राइट। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो अब क्या देख लेते हैं, एक बार हम थोड़ा सा बैक टेस्टिंग देख लेते हैं इसका, कि अगर हम इतने को फॉरवर्ड टेस्टिंग आप इसको कर नहीं सकते, करोगे अभी हम आपको वीडियो पे थोड़ा बैक, रुको पहले खोल लेते हैं। नहीं कोई बात नहीं, सामने खोलो यार, सब कुछ दिखाएंगे, जैसे खुल रहे वैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसका थोड़ा सा बैक टेस्टिंग कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसमें कैसे आपको, जब मार्केट क्या प्रीमियम दे रहा है, आपको क्या देखना होगा। देखो आपके इमोशंस डिफरेंट होंगे, समझो इमोशंस डिफरेंट होंगे अभी और तब, मार्केट आवर्स में अलग होंगे, अभी के आपके इमोशंस अलग होंगे, राइट। लेकिन अपने को समझना होगा कि देखो हो क्या रहा है। अब सपोज मैं यहाँ पे कोई ऐसा दिन लेता हूं, या कोई ऐसा मैं दिन चूज करता हूँ जब मार्केट में मूव आया था, बट आप अगर आप चार्ट देख रहे हो ना, अगर आप चार्ट देख रहे हो तो आप देख क्या रहे हो कि देखो यहां देखो क्या होता है। देखो इनिशियल वॉलिटिलिटी कितने बजे आ रही है, 9:15, 5 मिनट की कैंडल है, बैंक निफ्टी का चार्ट है 9:15। मैं एक बार सीपीआर बंद कर देता हूँ, ठीक है 9:15 यहाँ पे, एक बार इसको भी सब हटा देता हूँ लेवल्स, बिकॉज नॉन डायरेक्शनल हूं ना तो आपको इंडेक्स मेरे कुछ इंडिकेटर नहीं मिलेंगे, आपको केवल सीपीआर दिखेगा, थोड़े बहुत लेवल्स दिखेंगे। Why I told 9:45? समझो, देखो 9:15 की कैंडल, फिर ये मार्केट 9:35 तक थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी चली गई, राइट। 45 पे अगर हम एंट्री लेते तो हम लगभग यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, राइट 48:135 के आसपास का लेवल। तो जो ये इनिशियल वॉलिटिलिटी है अपसाइड की, ये चली गई। सेम अगर आप इस दिन देखते हो क्या हुआ, पहले 5 मिनट में मूव आया बहुत तेज, लेकिन हम एंट्री कब ले रहे हैं, 9:45। 9:45 के बाद आप क्या देख रहे हो, एग्जैक्ट 9:45 है, अराउंड 48,000 के आसपास का लेवल पकड़ लो, या 49,800 का लेवल पकड़ लो। उसके बाद मूवमेंट ही नहीं आया, पूरा मार्केट कंसोलिडेट होके निकल गया। यहाँ पे भी आप देख रहे हो 9:35 और 40-45 के बाद मार्केट में एज सच कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं आया, नीचे गया जरूर है, ऊपर आके फिर कंसोलिडेट करते हुए चला गया, फिर एंड में स्पाइक लिया है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ना, हर एक प्रीमियम, हर एक टाइम जोन का एक ट्रेडर होता है। यहाँ पे भी आप देखो कि इनिशियली मार्केट मूव करके 9:45 फिर वन साइडेड मूव आया है, राइट। तो एवरी टाइम, मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या हुआ, 9:20 कैंडल मार्केट ऊपर गया, फिर पूरा नीचे आ गया, 9:30, 9:35, 40। 9:45 के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट कंसोलिडेट करके थोड़ा स्पाइक लेके आगे गया है और फिर फॉल आया है, अराउंड कितने बजे, 1:30 बजे, अगेन वही यूरोपियन मार्केट वाला जो टाइम है ओपनिंग का। उसके बाद तो 3 टाइम जोन में ट्रेडिंग चल रही है, तो अपने को एंट्री ही लेनी है ऐसे सटल टाइम फ्रेम में जब हम सेफ हो सके। अब आप देखोगे कि इतने बड़े बड़े गैप डाउन हो रहे हैं, तो क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, एक तो हमें ये गैप अप गैप डाउन से डरना नहीं है, राइट। इंट्राडे ट्रेड हो रहा है तो हम ये गैप अप गैप डाउन से तो ऑलरेडी सेव्ड है। ऐसा नहीं कि आप पोजिशनल ट्रेड नहीं करोगे, आप करो, पोजिशनल भी करो, लेकिन आज यहाँ पे इंट्राडे की बात हो रही है। तो जैसे हमने देखा था ना यहाँ पे कि अब सपोज हम ये दिन पकड़ लेते हैं कि जैसे इनिशियल वॉलिटिलिटी बहुत हाई थी, ठीक है 22 अप्रैल हम पकड़ लेते हैं कि इनिशियल वॉलिटिलिटी बहुत हाई थी, और क्या हो रहा है कि 9:45 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 47,700 के लेवल्स पे। एक बार हम इसको बैक टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या हुआ होगा अगर हमने इस दिन ट्रेड किया, ठीक है। 22 अप्रैल है, 9:45, हम अपना सिमुलेटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, स्टॉक मॉक, जो मैं एक्चुअली बिलीव करता हूँ कि बहुत अच्छा सिमुलेशन है इसको, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इजी टू यूज है और ज्यादा इसमें टेक्निकलिटी नहीं है, कोई भी यूज कर सकते हैं। 9:45 पे आ गए, ठीक है हमारा दिन है 22 अप्रैल का, हमने यहाँ पे क्या सेल किया, दिन एक बार देख लेते हैं। 22 अप्रैल है मंडे का दिन, ठीक है 22 अप्रैल है मंडे का दिन, ठीक है 9:45 बैंक निफ्टी 47,700 का लेवल है, हमने इसको सेल कर दिया, ठीक है 3:31। देखो प्रीमियम्स के बीच में ज्यादा स्क्यू नहीं है, 5-6-7 रुपए का डिफरेंस है, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लकीली हमें 9:45 पे मिल गया। लेकिन अगर नहीं मिला होता, सपोज अभी क्या है, देखो यहाँ पे प्रीमियम 298 और 348 चल रहा है, तो क्या ऐसे में हमें एंट्री लेनी है, नहीं,
राइट, प्रीमियम मार्केट अप एंड डाउन तो करेगा ही भाई, मार्केट ऊपर जाएगा तो 47,900 पे लेवल मिलेगा, मार्केट नीचे जाएगा तो 47,700 पे मिलेगा, लेकिन हम ऐसे अनमैच्ड प्रीमियम्स को इनिशियली नहीं लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे गए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 47,700 का प्रीमियम ऑलमोस्ट कितना है, 323 और 331, 6 रुपए का डिफरेंस है, 7-8 रुपए का डिफरेंस है, कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब अपने को कलेक्ट कितना हुआ, 655 के आसपास। अब अपने को कलेक्ट हुआ है, हम इसको टोटल कैलकुलेट कर देंगे ताकि इजी रहेगा सबके लिए, 323 ठीक है प्लस 331, हमारे पास 655 मिला है, मंडे का दिन था, रूल क्या कहता है, मंडे के दिन हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, मोटा मोटा 220 पॉइंट का अपने को रेंज मिल गया, 220 पॉइंट का अपने को रेंज मिल गया कि मार्केट में जब 220 पॉइंट का मूव आएगा तभी हमको इसमें एडजस्टमेंट करना है, वरना इसमें बैठे रहना है, ठीक है। ओके अब 218 करेंगे क्या, चार्ट पे जैसे हम देखो अभी चार्ट नहीं देख रहे हैं, मैं अगर दिखाना चाहूँ ऐसे चार्ट भी दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे हम मान लो कि केवल सिमुलेट करके देख रहे हैं, तो 4,732 के लेवल्स में हम ऐड कर देंगे, 47,733 पकड़ लो इसको, और 4,733 माइनस 218, 218 ठीक है, तो 47,500 ऑन द डाउन साइड हमारी जो रेंज है 47,515, और अप साइड की रेंज है 47,951। तो जब भी यहां पे हमारा स्पॉट 47,951 टच करेगा हम तब इसको एडजस्ट करेंगे, या फिर 47,500 टच करेगा हम तब इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ओके एक बार आगे चल रहे, मैं यहाँ पे अभी 5 मिनट से करके दिखा रहा हूँ, आप 1 मिनट के टिकर पे आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एक चीज और याद रखना, देखो दिस इज अगेन वेरी पर्सनल, मैं अपना ओपिनियन आपको दे रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको फॉलो करो। समझो एक रियलिस्टिक ट्रेडर क्या करेगा, आपका रियलिस्टिक अप्रोच ढूंढेगा मार्केट में, रियलिस्टिक रिटर्न्स की तरफ एक्सपेक्ट करेगा, ये नहीं कि एक ही रात में अमीर बनना है, नहीं भैया हमें एक रात में अमीर नहीं बनना है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना है, मार्केट मेकर से फाइट हो रही है ना, तो मार्केट मेकर्स की नाक के नीचे से पैसा निकालना है, ठीक, तो उतना ही निकालो जितना पचा पाओ, ज्यादा खा लोगे ना तो इनडाइजेशन हो जाएगा, राइट। और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अगर आप बना रहे हो, सपोज एक सिंपल मैथ यहाँ पे देखते हैं, एक सिंपल मैथ यहाँ पे देखते हैं, फिर सिमुलेशन पे आगे चलेंगे बाय, बिकॉज आई वॉन्टेड टू कीप दिस पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू, आप लोग के सामने, क्योंकि इसे को समझना होता है। 0.2% आप बना रहे हो पर डे, सोचो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना ही बनाओ, आप कह रहे हो सर ये तो इजी टारगेट है, नहीं, 0.2% आप टारगेट कर रहे हो, आपके पास 20 ट्रेडिंग सेशन है, आपके पास 20 ट्रेडिंग सेशन है, 1 महीने में 0.2 बना रहे हो, आप 4% अचीव कर पा रहे हो, राइट। बट देखा क्या हमने, 15-20 मिनट में अपने को 0.5% का टारगेट मिल गया, मतलब मैं टारगेट नहीं कह रहा, 0.5% तक का डिके मिल गया, तो क्या ये एक इजी स्केप हो सकता है, मैं अभी आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ, आप मना भी कर सकते हो, नहीं अपना एक टारगेट भी डिफाइन करना है, राइट। एक बात समझो, 0.5 मिल तो गया है, मैं अगर इसको बुक करता हूँ, अपने को देखो टारगेट और एसएल हमेशा कैलकुलेट करके रखना होता है, एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो पे मैं आपके साथ साइकोलॉजी या टारगेट और इसकी बात नहीं कर सकता हूँ, बट मैं आपको केवल एक स्ट्रक्चर दे सकता हूँ, सोचने का तरीका दे सकता हूँ कि मेरे को 0.5 मिल गया है ना, अब समझो मैं मैक्सिमम 1% तक लेके जा सकता हूँ, आज मंडे का दिन है, ठीक है, यहाँ पे 8% तक का टारगेट दिख रहा है, हो सकता है मेरे को 3% भी मिल जाए, बहुत अच्छा है मिल जाएगा तो, लेकिन वो 3% कमाने के लिए मेरा स्टेक पे कितना है, 1 लाख रुपए, कोई स्पाइक आई तो मेरे को लॉस भी हो सकता है, इसीलिए ना, अब 0.5 मिला है, मेरा टोटल लॉस कितना है, 1%, ठीक है, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आरआर के आसपास में पहुंच रहा हूँ, तो अपने आरआर को, रिस्क को मैं ट्रेल कर सकता हूँ, रिस्क को मैं ट्रेल कर सकता हूँ, ठीक है। आप नहीं करना चाहते हो मत करो, आपको एंड तक करना है, मैं यहाँ पे पूरे दिन का सिमुलेशन आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन आपको अगर आप अपना टारगेट एक डिफाइन कर ले तो भाई पर डे मुझे इतने ही पॉइंट्स चाहिए या इतना ही चाहिए, ठीक है, और इतना ही मेरे को देना है पॉइंट वाइज, तो वो इजी हो जाता है अपनी लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए, ठीक है। 500 दे रहे हो, 2,000 ले रहे हो, फिर 500 ले रहे हो, फिर 2,000 दे रहे हो, ये सब गलत है, तो एक पॉइंट का आप अपना एसएल और एक पॉइंट अपना स्पेसिफिक आप टारगेट सेट कर लेना, ठीक है। एनीवेज आगे चलते हैं,
5 मिनट से हमारा जो वैल्यू से एक बार हम वो देख लेते हैं फिर से कि हमारा कितना था, 47,515 नीचे, और 47 मोटा मोटा 48,000, इसको 48,950 ये है, 47,950 और 515। आगे चलते हैं, 725, 700, 655, 682, 684, 750। देखो 1% हो गया यार, आइडल मैं निकल जाता राइट, बट आगे चलते हैं, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं ट्रिगर हुआ इसमें अभी। एट हंड्रेड एंड नाइन 950 के अपने एडजस्टमेंट था, दिस इज व्हाट द बेनिफिट इज कि जब आप एक नॉन वोलेटाइल टाइम पे उतरते हो राइट, इनिशियल वोलेटिलिटी आप स्किप कर देते हो। एक बार 15 मिनट से आगे चलते हैं, देखते मूव आया था कितने बजे आया था, लगभग मूव आया है अराउंड 2:35 पे, 2:35 तक कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एक बार सीधे 2:20 चलते हैं, फिर 2-2 मिनट से आगे चलेंगे ठीक है। 2:20 पे आ गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, 5-5 मिनट करके देखो आई थिंक सो। आई थिंक उतना तो पहले प्रॉफिट ही आ चुका है, वो बफर क्रिएट कर देगा ना, उसको लॉस में जाने नहीं देगा। जाने नहीं देगा, लेकिन अपने को एडजस्टमेंट तो लेवल्स पे ही करना है ना, रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट लॉस हाँ ये है कि हम ठीक है, अपने को वहां पे स्ट्रैंगल क्रिएट करना है ना उसको। अपने को स्ट्रैंगल क्रिएट करना है। चलो आज के दिन देखो, अब तो 3:16 पे एडजस्टमेंट आया, चलो आज तो कुछ ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन देखो कहां मेरे को 11 बजे 1% मिल रहा था, अभी मेरे को 3:15 बजे मेरे को 1.4% ही मिल रहा है। तो इट्स बेटर टू गेट ऑफ अर्ली रादर, थोड़ा बहुत प्रॉफिट के एक्सपेक्टेंसी में आप अपने आप को मार्केट में एंड तक एक्सपोज रखे हुए हो। कोई और दिन पकड़ लेते हैं जब कोई एडजस्टमेंट आया होगा, अब सपोज हम ये दिन पकड़ लेते हैं, ये दिन है हमारा 25th of April, थर्सडे का दिन है, हम इसको एक बार बैक टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि पूरा वॉलेटाइल डे है, पूरा वॉलेटाइल डे है, तो ये अच्छे से कैप्चर हो जाएगा उसमें ठीक है। तो देखो एक टाइम प्रॉफिट हो गया, अब बट लॉस ट्वेंटी की हम फिफ्थ बात अप्रैल इज एन करते हैं, एक्सपायरी ना। एक्सपायरी इफ यू से, अब ये है 25th of April है ठीक है, तो एक्सपायरी एक्सपायरी हमारी चूज 30th of एक्सपायरी, हमारी 30 अप्रैल की एक्सपायरी होगी राइट। अच्छा ठीक है, 25th आई थिंक निफ्टी की थी। 20 ऑब्वियसली थर्सडे है ना, निफ्टी का दे, तो मैं यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी करके हम दिखा लोग रहा हूँ, बैंक निफ्टी देख अगर लेना आप यार। निफ्टी में भी इसको करना चाहते हो इस ट्रेड को आप कर सकते हो, लेकिन अगेन नहीं एज नहीं एडवाइस जीरो मेरे को ट्रेड गलती को लग गई, अवॉइड कर, मेरे को गलती लग गई। कोई बात नहीं ठीक है। 9:30 अपना है बैंक निफ्टी 25th of April, बैंक निफ्टी 25th of April 9:45 ठीक है, 9:45 अपने टर्मिनल पे आ गए। अब यहाँ देखो क्या है, 286 और 389, तो ऐसे में ट्रेड हम नहीं लेंगे अभी क्योंकि बहुत ज्यादा प्रीमियम में स्क्यू है, हम लोग वेट कर रहे हैं प्रीमियम की। थोड़ा वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रीमियम को आसपास ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 338 एंड 309, 955 4 के आसपास ठीक है, तो वहां पे आप एंट्री ले सकते थे, लेकिन थोड़ा अगर वेट कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो 959 पे क्या हुआ, 959 पे आपने क्या देखा कि ऑलमोस्ट प्रीमियम सेम मिल गए, 9320। तो ऐसा नहीं है कि अपने को प्रीमियम सेम मिलता नहीं है राइट, प्रीमियम तो मिलता ही है, सेम मिल गया अपने को। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली वेट एंड ट्रेड वाला कॉन्सेप्ट लगता है, प्लस 322 कितना हो गया, 650, थर्सडे का दिन है, तो अगेन वी विल डिवाइडेड बाय 3, 216 के आसपास की रेंज मिल गई है। सो अपने लेवल्स पे 48 165 प्लस 216, 48,165 माइनस 216 ठीक है, तो नीचे के मेरे लेवल्स कितना है, 47,950, और ऊपर का मेरा लेवल क्या है, 48,400 पकड़ लो,
ठीक है, 48,400 भाई, 20 रुपए का अप एंड डाउन चलता है, ठीक है, तो 48,400 जब तक नहीं होगा तब तक मैं इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ, राइट। तो मैं 5 मिनट से आगे चलता हूँ, ठीक है, 300 है यहाँ पे, एक एक मिनट से चलते हैं, यहाँ पे हुआ था मूवमेंट आया था, देखो अगेन 0.4% तक तो प्रॉफिट अपने को मिल ही गया। अगर एक चीज हम करके देख लेते हैं केवल, अगर आप एक सिंपल सा पकड़ो, 440 डिवाइडेड बाय 1 लाख, सॉरी कितने का अपना लॉट चल रहा है, 15 का, राइट, तो 30 पॉइंट्स तो आप ऑलमोस्ट कैप्चर कर चुके हो। अगर आप 10 दिन तक 30 पॉइंट कैप्चर कर ले तो 300 पॉइंट इन बैंक निफ्टी, विच इज अ वेरी गुड अमाउंट, राइट। बट चलो अभी आगे चलते हैं, ये सब नहीं सोचते हैं। कितने बजे मूव आया है, मूव आया है अपने पर। लुक, ये मूव नहीं है, इट्स बेसिकली वोलाटाइल। इसको इस तरीके से लेके चलो, आप इस पीक राइट पॉइंट पे देखो हमें कहाँ पे हमें फर्स्ट एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अपनी, बिकॉज अपने ने ट्रेड इनिशिएट किया है, 48,200 पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया है, मूवमेंट कैलकुलेटर बंद हो गया है। दो सौ सोलह था और देखना पड़ेगा लगभग कितना था, वैल्यू याद है आपने लिखा था या दो एक सौ बार पंद्रह रुपए मैं थे, 215 था ना, 215, 215 ऊपर, 215 वापस चला नीचे, जाता, एक बार वापस जाके देख लेता हूँ मैं। दो सौ दस पंद्रह था मुझे याद है, बिकॉज टोटल प्रीमियम 400 के आसपास आया था, तो दो सौ सोलह था वो तो याद है, हमारा एंट्री टाइम देखना है मेरे को वन आज। सिक्सटी फाइव था, 48,165 मार्केट, 48,165 हाँ पे थे। 48,165, 48,165 प्लस 216, माइनस 216, ठीक है, ये हमारे लेवल्स हैं। हमने किया था 1159 तक हम आ गए थे, ठीक है, तो यहां से आगे चलते हैं हम, देख ठीक है यहां से, ठीक है। अब देखो है क्या, मूव कब आया है हमारा, जो अपर जो एडजस्टमेंट है हमें एडजस्ट ऊपर करना है 48,380 लेवल्स पे, राइट, तो 48,380 लेवल्स यहाँ पे ब्रीच नहीं हुए। कहाँ पे ब्रीच हो रहे हैं कि ये जो स्टैंडर्ड वोलेटिलिटी है मार्केट में, जो मूव है ये ब्रीच हो रहा है 48,380 लेवल्स ब्रीच हुआ अराउंड 1:20 पे, राइट, एक काम करते हैं ना, 1 बजे 1:20। चलते हैं, एक काम करते हैं, 1 बजे हाँ चलते हैं। डायरेक्ट 1 बजे चलते हैं, उसके उसका आगे हम रीजन, देखेंगे उसका रीजन एडजस्टमेंट क्या है, कैसे। क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे कहीं पे हमारा पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस तो नहीं हिट हो रहा। हाँ देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे स्पाइक के पहले थोड़ा आईवी भी राइज हो जाती है, राइट। या पर नहीं हो रहा यहाँ पे। अब हम, हाँ नहीं है, तो 5 मिनट से आगे चलते हैं फिर देखते हैं। 1:16, 1:20, अब एक एक मिनट से एक बार कर लेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट की क्लोजिंग कैंडल है, लाइव मार्केट का सिनेरियो कुछ और होता है, बट अगेन 0.4 0.5 चल रहा है ना, तो एसएल तो हिट नहीं हुआ है, ठीक है। नहीं हो रहा है, अब 348 हमारा लेवल क्या था, 381, राइट, थ्री सिक्सटी 5 मिनट पे चलते हैं। वो हिट हो जाएगा, इसी बीच में होना चाहिए, एक बार 5 मिनट से देखते हैं। 357, 368, अब थ्री हुआ है, एट्टी यहां पे अगर देखते हो तो अपना एडजस्टमेंट ट्रिगर हो गया, राइट। तो यहां पे अपने को क्या करना है, जो लॉस मेकिंग लेग है, जो लॉस मेकिंग लेग है, हम उसको बुक करके 250 से कम का प्रीमियम सेल करेंगे, विल नॉट सेल 274, 250 से कम का जो प्रीमियम होगा हमारे रनिंग कैपिटल से, जो कम का प्रीमियम होगा उसको सेल कर देंगे। और अब जब भी हमारे पीक्स पे जाएगा, जब भी हमारे सोल्ड लेग्स पे जाएगा, हम विनिंग लेग को बुक करके फिर से स्ट्रैडल बना देंगे। इस ठीक पूरी जर्नी में अगर मुझे यहाँ पे 1% का लॉस दिख जाता है,
तो भी मैं उसको कवर कर दूंगा, तो भी मैं इस ट्रेड को बंद कर दूंगा, ठीक ठीक है है। मूविंग अहेड 5 मिनट से चलते हैं क्योंकि पीक है ना। अब यहां पे देखो 1% का मेरा एसएल यहाँ पे हिट हो गया, सो दिस डे इज नॉट फॉर मी, दिस डे इज नॉट फॉर मी, बट चलो एक बार इसको आगे लेके चलते हैं। क्या हुआ था, आईवी राइज हो गई थी इतने सडन स्पाइक की वजह से, ठीक है, आईवी राइज हो गई थी इतने सडन स्पाइक की वजह से, वो कूल डाउन हो गई, ठीक। लेकिन क्या आपने को पता है कि मार्केट रेंज नहीं तोड़ने वाला है, ठीक है, हो सकता है तोड़ दे। अब देखो यहाँ पे आपका लॉस बढ़ता ही जा रहा है, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, अब इस हमारे ऑलमोस्ट सेलिंग पॉइंट पे आ गया है। हम यहाँ पे देखो टेक्निकली हम आउट ऑफ द ट्रेड, 1% आई हैव गिवन टू द मार्केट, आज का दिन मेरा खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसको फॉरवर्ड टेस्टिंग का कोई मतलब नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम डूइंग दिस। अब हमने को क्या करना है, अपना प्रॉफिटेबल लेग बुक करना है और एटीएम सेल कर देना है, ठीक है। अब देखोगे क्या है कि फिर से पूरा जो प्रोसेस हमने किया था वो पूरा प्रोसेस हमारा फिर से यहाँ पे रिपीट होने वाला है। क्या होगा, 332 + 332 + 339 डिवाइडेड बाय, थर्सडे का दिन है, 3, 223, 223 मिल रहा है सम, दैट मींस कि प्रीमियम बढ़ चुके हैं, आईवी बढ़ चुका है, मार्केट में क्या हुआ, आईवी बढ़ गया। तो 223 + 46800 223 - 48600, ठीक है, तो 403.77 और 48823, ये हमारी रेंज हो गई अब इसको एडजस्ट करने की। तो 320 पे अपने को ये ट्रेड फाइनली एग्जिट किया, ठीक है। तो इस दिन भी हमारा जो हुआ है मोटा मोटा लॉस हुआ है, हमने उतना ही लॉस दिया है, क्योंकि समझो आईवी राइस कब हुई है, 2 बजे के बाद, ठीक है, प्रीमियम बढ़े कब है, 2 बजे के बाद, एडजस्टमेंट हमारा लगभग तब हुआ है, उसके बाद हुआ है ये चीज। अब आप समझो कि जरूरी नहीं है कि आज ही शाम को पूरी आईवी क्रश हो जानी है, क्योंकि आज थर्सडे का दिन है, आज थर्सडे का दिन है, आज एक्सपायरी से भी मैं दूर हूँ, और हो सकता है ये और बढ़े, आईवी बढ़ भी सकती है, तो आपका लॉस भी बढ़ सकता है, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। सो फॉर ओके ऑल दोस डे आप इसको एग्जिट कर सकते हो 1% पे, ठीक है। और ऐसा भी है ना कि कोई बंदा अपने अकॉर्डिंगली अपना रिस्क एडजस्ट भी तो कर सकता है। इफ समबडी इज ओके विद वन बिल्कुल एंड रिस्क हाफ एडजस्ट परसेंट कर तो क्या सकते हैं प्रॉब्लम है उसको? इफ समवन इज ओके। देखो मेरा एक इस, मेरा जो एक हमेशा चलता है, अगर मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, समझिएगा ये मेरा पर्सनल बायसनेस है, मैं हमेशा 10-10 गेम खेलता हूँ। 10-10 गेम इज कि 10% का प्रॉफिट और 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट और 10 पॉइंट्स का लॉस, राइट। आई ऑलवेज प्ले 10-10 गेम। इसमें क्या होता है कि मैं प्रिसाइसली निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी के लिए आप 28 to 30 पॉइंट्स पकड़ सकते हो, कि 10-10 पॉइंट्स निफ्टी में अगर मैं काम कर रहा हूँ, दैट मेक्स अगर मैं 25 के हिसाब से बात करता हूँ, ठीक है, या पहले अगर मैं 50 के हिसाब से बात करके बता देता हूँ, आप 25 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना उसको, 10 पॉइंट्स ऑन निफ्टी इज हाउ मच, 50, 500 पॉइंट्स, 500 का प्रॉफिट, 500 रुपीज का प्रॉफिट और 500 रुपीज का लॉस, राइट। ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा दिस स्टैंडर्ड एसएल और स्टैंडर्ड प्रॉफिट। अब ये सोचो कि कितनी बार ऐसा होता होगा कि 10 पॉइंट्स का मेरे को फेवर मिलता होगा। 10 पॉइंट्स कैप्चर करना मार्केट से थोड़ा इजी है, रादर देन कंपेयरिंग पूरे दिन बैठे रहने के लिए। पूरे दिन बैठे रहने से बेटर है कि मैं 10 पॉइंट्स लेके बुक करूं, और ये 10 पॉइंट्स का गेम इतना बड़ा हो जाता है ना, या 28-30 पॉइंट्स का गेम इतना बड़ा हो जाता है, जिसको आप लॉन्गर होराइजन पे देखोगे ना, तो आप बहुत इजी फ्री करोगे, फील करोगे। 18 अप्रैल को जो आया था फॉल, 12 मार्च को जो फॉल आया था 10 बजे, 12 मार्च को भी अपन पहले प्रॉफिट लेके निकल चुके थे 10 पॉइंट्स, 18 तारीख को भी हम प्रॉफिट लेके निकल चुके थे, तब इस तरह के फॉल आने शुरू हुए थे, तब इस तरह के स्पाइक्स आए थे। बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड वी आर एक्सपोज्ड, हम हमारा कैपिटल हमारा पूरा चीज एक्सपोज्ड है मार्केट में, अगेंस्ट मार्केट मेकर्स, राइट। मार्केट मेकर DIIs, FIIs, ठीक है, HFT ट्रेडर्स, राइट, और इसके अलावा आजकल JN स्ट्रीट चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है, राइट। तो हम उन सब के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं विद आर स्मॉल कैपिटल, ठीक है। हम लोग ये रिटेल ट्रेडर्स हैं, अगर आप 1 करोड़ से भी काम कर रहे हो ना, तो भी आप रिटेल ही कहलाने वाले हो, हमारा कैपिटल इनके आगे बहुत स्मॉल है। मार्केट मेकर समझ लो, या समुद्र में रह के मगर से पैर कर, तो आप कम कम लो और निकल जाओ, और कम कम दो और निकल जाओ, ठीक है।
सो दिस इज अ होल सोल कंसेप्ट. आप अपना रिस्क और प्रॉफिट थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो. रिस्क जरूर रखो, और 1% है, 1.2% है तो परफेक्ट रहेगा फॉर अ डे, इससे ज्यादा का मत लो. प्रॉफिट आप स्वाद अनुसार अपने एडजस्ट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, लेकिन रिस्क इससे ज्यादा मत रखना. सो हर्षित, दिस वॉज अ गुड स्ट्रैटेजी. ओके, आई लाइक टू बैक टेस्ट इट एंड आई विल गेट बैक टू यू कि इसके रिजल्ट क्या आते हैं. इन द मीन टाइम आई विल टैग यू इन द डिस्क्रिप्शन एंड टेक ओवर द कॉमेंट्स फ्रॉम देयर ऑन. ओके, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस श्योर. सेशन. ठीक है, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच रोहित, थैंक यू अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. आई होप एटलीस्ट कुछ अच्छी एक लर्निंग मिली होगी. किसी को कोई कमेंट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बोल देना, मैं आपके कमेंट्स में रिप्लाई दे दूंगा.